एंड सेल ऑर्गेनेल्स। बेटे आज की हमारी सेल ऑर्गेनेली है सेंट्रियोल्स। व्हाट आर सेंट्रियोल्स? सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोट्स। ये किन में मौजूद है? तमाम यूकैरियोट्स के अंदर। इसके अलावा सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्लूड एनिमल्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब बेटे ये होते कैसे हैं? दे आर साइलिंड्रिकल इन शेप। इनकी शक्ल कैसी होती है? सिलेंडर टाइप होते हैं। सिलेंडर हम किसे कहते हैं? ये फॉर एग्जांपल एक सिरा इसका, ये दूसरा, ये लंबे लंबूतरे सिलेंडर्स, अंदर से हॉलो खाली। अच्छा जी, अब अगली बात जो मेन इसकी समझने वाली है, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 9 ट्रिपलेट्स। ये किस सूरत में मौजूद होते हैं? 9 ट्रिपलेट्स से मुराद, बेटे एक फॉर एग्जांपल आप सामने से देख रहे हो, एक सेंट्रियोल, एक इसका सिलेंडर, दूसरा, ये तीसरा, इसी तरह का एक और सेट। अब ये तीन तीन के सेट हैं और टोटल कितने हैं? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास 9 सेट ट्रिपलेट्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के पास मौजूद होते हैं। किसके पास मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के पास मौजूद होते हैं, नियर न्यूक्लियस। अब बेटे इनका एक जोड़ा होता है, मतलब ये 9 ट्रिपलेट एक और इन्होंने राउंड शेप में और इसी तरह का इसके साथ, तो मतलब तादाद इनकी कितनी होती है? 2, या एक जोड़ा आप कह सकते हो, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल। अब बेटे कलेक्टिवली जब हमने इन सेंट्रियोल्स को बुलाना है, मतलब दोनों को बुलाना है, तो हम इसको नाम दे देते हैं सेंट्रोसोम का। क्या नाम देंगे इसे? सेंट्रोसोम। दोनों को जब हम बुलाएंगे हम इनको सेंट्रोसोम का नाम देंगे। अच्छा जी, इनका फंक्शन क्या है? दे आर इन्वॉल्व इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो ये स्पिंडल फाइबर बनाने के काम आते हैं। कुछ जो जानदार हैं कुछ सेल्स के अंदर आर इन्वॉल्व, दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। व्हाट आर सीलिया एंड फ्लैजेला? ये हमने तब भी कहा था जब हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा था कि जो एक्टिन प्रोटीन है वो सीलिया और फ्लैजेला बनाने में मदद देते हैं। जो प्रोटिस्ट हैं, प्रोटोजोन्स हैं ख़ास तौर पे, ये अमीबा, पैरामेशियम वगैरह, युगलीना वगैरह, पैरामेशियम के गिर्द ये फॉर एग्जांपल पैरामेशियम है, छोटी छोटी बालनुमा साख्तें इसके ऊपर मौजूद होती हैं,
जो को इसको मूव करने में मदद देती हैं, इसकी मूवमेंट में हेल्प आउट करती हैं। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां जन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टरलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तरद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आरजी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कार्डिक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर मार्क, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, मेहर मोहम्मद नई, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख जैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकेंड टू नन, टॉप क्लास। ये कहलाते हैं सीलिया और फ्लैजेला युगलीना जैसे, इसके ऊपर ये बालनुमा साख मौजूद होती है जो कि उसको हरकत करने में मदद देती है, तो इसको हम फ्लैजेला का नाम देते हैं। बाकी सेल्स के अंदर स्पिंडल फाइबर बनाने का काम और कुछ सेल्स के अंदर ये सीलिया और फ्लैजेला बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारी सेलुलर ऑर्गेनेली, दैट इज वैक्यूल। व्हाट आर वैक्यूल्स? वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, एक मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल होती है, फ्लूइड फिल्ड होती है। अब बेटे पौधों में जब वो इमेच्योर है सेल, मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। कब? जब पौधे का सेल जो है वो इमेच्योर है, लेकिन जो जो वो मेच्योर होता चला जाता है सेल, अपनी उम्र बढ़ती जा रही है सेल की, तो तब स्मॉल वैक्यूल्स फ्यूज, तो छोटे वैक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे में जम हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ एंड फॉर्म अ लार्जर वैक्यूल, तो फिर वो क्या बना देते हैं? लार्जर वैक्यूल बना देते हैं। हमने न्यूक्लियस में पढ़ा था कि पौधे में सेल के अंदर न्यूक्लियस एक साइड पे धकेला गया होता है, किसने धकेला होता है उसे? एक बड़े वैक्यूल ने। वो बड़ा वैक्यूल किन से बना? इन छोटे वैक्यूल्स की फ्यूजन के साथ। अब इस वैक्यूल के बेटे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पहली बात, पौधे के अंदर ये वैक्यूल जो है ये पानी एब्जॉर्ब करता है। जब ये पानी एब्जॉर्ब करता है
तो ये सेल को टर्जिड कर देता है। टर्जिड का मतलब उसमें तनाव पैदा कर देता है। उस तनाव की वजह से ही पौधे के जो हिस्से हैं वो सख्त होते हैं। अच्छा जी, फिर आपने जब लाइसोसोम्स पढ़े थे उसमें हमने कहा था कि अंदर आने वाले मटेरियल जो हैं वो बंद हो जाते हैं एक मेम्ब्रेन के अंदर और वो लाइसोसोम तक पहुंचते हैं। लाइसोसोम फिर उनके साथ फ्यूज़ करता है, फिर उनके साथ डाइजेस्टिव मटेरियल जो हैं वो अमल में आते हैं। खुराक की डाइजेशन होती है, जो मटेरियल अंदर पहुंचे वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो अब इसका मतलब कि यही जो वैक्यूल्स हैं ये टारगेट मटेरियल जो हैं उसको सेल के अंदर कैरी करते हैं। यही वैक्यूल जो हैं ये वेस्ट मटेरियल्स की रिमूवल में मदद देते हैं सेल से, सेल के बाहर, सेल में से सेल से बाहर, जो एक्सटीरियर ट्रांसपोर्ट है। बाज़ जानदारों में ये इवन आपके जो प्रोटोजोन्स हैं इनके अंदर इसको स्पेशल नाम दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है उन जानदारों के अंदर से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर खारिज करने के लिए एक मेजर आप कह लो ऑर्गेनेली है। टर्जिडिटी बरकरार रखने में मदद देते हैं, मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट, टारगेट मटेरियल की ट्रांसपोर्ट के लिए विद इन द सेल यूज़ होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स को सेल से बाहर खारिज करने में मदद देते हैं। ये थी बेटे हमारी मेजर ऑर्गेनेलीज। अब यहाँ पे एक और टॉपिक हम देखते चले जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। हमने कहा ना सेल दो तरह के होते हैं, एक यूकेरियोट्स और दूसरे प्रोकैरियोट्स। अब बेटे इनमें हमने डिफरेंस किस किस लिहाज से देखना है? एक तो बेटे हम देखेंगे न्यूक्लियस के हवाले से, दूसरा कुछ अदर ऑर्गेनेलीज उनके हवाले से, तीसरा सेल साइज के हवाला से। न्यूक्लियस, यूकेरियोट्स जो हैं दे कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और वो वेल डेवलप्ड होता है, वो मौजूद होता है न्यूक्लियर एनवेलप में, उसके अंदर न्यूक्लियोलाई मौजूद हैं, उसके अंदर क्रोमेटिन मौजूद है, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है। वो एक वाज़े शय, एक वाज़े एंटिटी सेल की उसमें नज़र आने वाली शय मौजूद है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में नज़र आ रही है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना कि एक में सेंटर में, दूसरे में एक साइड पर शिफ्ट हुई हुई। जबकि जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, वो डीएनए भी हो सकता है आरएनए भी हो सकता है, इट इज सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड इन द साइटोप्लाज्म, एनीवेयर इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर सारे में मौजूद। तो ये जो डीएनए या आरएनए सेल में किसी भी जगह पे मौजूद हो सकता है, उस रीजन को नाम दे दिया जाता है न्यूक्लियोइड। उस रीजन को क्या नाम दे दिया जाता है? मतलब इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है प्रोकैरियोट्स के अंदर, इनमें उस रीजन को जस्ट एक नाम दे दिया जाता है कि ये वाला रीजन जो है ये न्यूक्लियोइड रीजन है। अब आ जाओ बेटे अदर ऑर्गेनेलीज की तरफ। यूकेरियोट्स जो हैं इनमें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया। अगर प्लांट सेल की बात कर लें प्लास्टिड्स, अगर और ऑर्गेनेलीज की गॉल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये सारी ऑर्गेनेलीज यूकेरियोटिक सेल के अंदर तो पाई जाती हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट्स हैं
इनमें नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड, कोई भी मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेली जो है वो नहीं पाई जाती। एक हमने राइबोसोम पढ़ते वक्त देखा था, राइबोसोम इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, यूकेरियोट्स में भी मौजूद है, प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद है। फर्क क्या है? साइज का। जो यूकेरियोट्स हैं दे कंटेन लार्जर राइबोसोम्स, इनका साइज कैसा होता है? बड़ा होता है। जो प्रोकैरियोट्स हैं दे कंटेन स्मॉलर राइबोसोम्स, इनके राइबोसोम्स कैसे होते हैं? साइज में छोटे होते हैं। अब इस सेंस को बरकरार रखने के लिए यूकेरियोटिक सेल बड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनेलीज ज्यादा मौजूद हैं, ज्यादा चीजों को ज्यादा जगह चाहिए। प्रोकैरियोटिक सेल थोड़ी ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, तो इसलिए इसका बड़े साइज का कोई तुक नहीं बनता। इनके साइजेस क्या होते हैं? छोटे होते हैं। चूंकि इसका बड़ा साइज है, इसका राइबोसोम भी क्या होगा? इसका साइज छोटा है, राइबोसोम क्या होगा? कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना? अब आपको वाजे पता लग जाना चाहिए कि जो यूकेरियोट्स हैं उनके राइबोसोम बड़े और जो, अच्छा जी, अब जैसे हमने डिस्कस किया जो यूकेरियोट्स हैं इनके सेल साइजेस जो हैं दे आर लार्जर, वजह नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज, इनमें ऑर्गेनेलीज की तादाद ज़्यादा होती है। ये जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं चूंकि इनमें नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज कम होती हैं, सेल वॉल, सेल वॉल जो है वो प्रोकैरियोट्स में कैसी होती है? अब प्रोकैरियोट्स के अंदर बेटे हमारे पास सेल वॉल रखने वाले दो तरह के हैं, एक तो प्लांट्स हैं और दूसरे फंजाई। जो यूकेरियोट्स हैं उनमें हमारे पास दो तरह के जानदारों के पास सेल वॉल होती है। जो प्लांट्स हैं इनकी सेल वॉल बेटे मेजरली किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और जो फंजाई है इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटन की। किसकी बनी होती है? काइटन की। अब ये जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं इनमें तमाम की जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकेन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकेन।